हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नितिन मस्के। आई एम डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट अर्बन स्किन एंड हेयर क्लिनिक पुणे। हमें यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से कमेंट्स आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सर मुझे हेल्दी स्किन चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए। तो आज हम कुछ टिप्स बताएंगे जो आपको हेल्दी स्किन, ग्लोइंग स्किन रखने में आपको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आप घर से बाहर जाओ, आपके ऑफिस में जाइए, जाने से पहले बिफोर 30 मिनट्स आपको अच्छी सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। सनस्क्रीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूज़ होनी चाहिए और नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन यूज़ होनी चाहिए। जो भी आपने अनकवर्ड बॉडी पार्ट्स है, जैसे कि फेस है, नेक है, हैंड्स है, वो सब पार्ट्स पे हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। इससे कि यूवी रेज से जो डैमेज होने वाला है वो एकदम कम हो सकता है और आपके चेहरे के ऊपर टैनिंग हो रही है, आपके चेहरे के ऊपर जो फ्यूचर में रिंकल्स आ सकते हैं, आपकी स्किन जो एज हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। तो अच्छे से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट है, आपको आपकी बॉडी और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रखनी चाहिए। मतलब आपको इंटरनली भी हाइड्रेशन मेंटेन रखना चाहिए। आपको दिन से कम 2 या 3 लीटर पानी पीना ही चाहिए। ये अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लोइंग रहेगी और आपकी हाइड्रेटेड स्किन रहेगी। अगर आपकी स्किन हेल्दी रहेगी तो ही आपको चेहरे पर ग्लो आ सकता है। अभी नेक्स्ट टिप है कि हमारी जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, लाइफस्टाइल हमारी बहुत ही सेडेंटरी हो चुकी है। हमारे जो वर्क पैटर्न है उससे हमें बॉडी में मेंटली बहुत स्ट्रेस आ रहा है। तो उसको स्ट्रेस को अच्छे से कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज में थोड़ी सी वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, जिम में जाइए, योगा कीजिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन अगर हमें प्रॉपरली एक्सरसाइज फॉलो करेंगे, जो हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है वो थोड़ी कम हो सकती है और इस वजह से जो चेहरे के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है वो कम होगा। स्ट्रेस कम होगा तो आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी और उसको अच्छे से हम मेंटेन कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज करने के साथ ही हमें डाइट भी अच्छे से मेंटेन करना होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, जब भी हम ये अच्छे से फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन जो है अच्छे से प्रॉपरली हेल्दी रह सकती है। ऐसा देखा गया है कि फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जिसमें कि सिट्रस एसिड कंटेनिंग ज़्यादा फ्रूट्स हम यूज कर सकते हैं, नींबू है, नॉर्मल है, ऑरेंजेस है, टैबलेट्स है जो कि विटामिन सी कंटेनिंग है, ये अच्छे से हम फॉलो करते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल्स ये भी कम आते हैं और हमारी स्किन भी अच्छे से हेल्दी रह सकती है। हम चेहरे को 2 या 3 बार वॉश करते हैं, लेकिन चेहरा वॉश करते समय उसे क्या यूज़ करना चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, कौन से स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, जब सोते समय हम जो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, सुबह सनस्क्रीन लगाते हैं या बाकी मेकअप प्रोडक्ट्स, ये सब मेकअप प्रोडक्ट्स हमारे स्किन की क्या टाइप है, स्किन कैसी है हमारी, उस अकॉर्डिंगली उसे हमें यूज़ करना चाहिए। अगर प्रॉपरली प्रोडक्ट यूज़ ना किए जाए तो हमारी स्किन इरिटेट हो सकती है, उसके वजह से फिर कालापन आना, उसके काले दाग बन जाना, फिर चेहरे के ऊपर रिंकल्स आना और स्किन ड्राई और इरिटेट होना, ये सब हो सकता है। तो चूज़ द प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। ये अगर प्रोडक्ट अच्छे से यूज़ करते हो तो आपकी जो स्किन है वो अच्छे से मेंटेन रह सकती है। अब जब हम चेहरा वॉश करते हैं तो बहुत से पेशेंट्स को लगता है कि मुझे चेहरा स्क्रब करना है, मेरे चेहरे की स्किन बहुत ऑयली है, जो मैं स्क्रब करता हूँ तो वो अच्छे से मेंटेन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेहरा के ऊपर हमें स्क्रबिंग कम से कम करना चाहिए और एकदम अवॉइड करना चाहिए। उसके स्क्रबिंग करने के बाद जो स्किन है वो इरिटेड होने लगती है और इरिटेशन होने के बाद फिर बाकी के कॉम्प्लिकेशन चालू हो सकते हैं, आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। तो चेहरे के ऊपर बस अच्छे सा फेस वॉश यूज़ कीजिए या फिर क्लींजर यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, पर स्क्रबिंग एकदम कम से कम हमें करना चाहिए। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो चेहरे के ऊपर हमारी एजिंग दिखने लगती है। तो कुछ पेशेंट्स में 30 इयर्स 40 इयर्स में फीमेल पेशेंट्स हैं, उसमें एजिंग दिखने लगती है, तो हमें एंटी एजिंग क्रीम्स, लोशन, सीरम्स वो यूज़ करना स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, सोते समय मॉइस्चराइजर यूज़ कर दिए और वो लगाने से पहले रेटिनॉल बेस्ड कुछ क्रीम्स रहते हैं जो कि एंटी एजिंग काम करते हैं। अगर ये सब क्रीम्स और जो सीरम्स हैं हम अच्छे से फॉलो करते हैं, जो हमारे चेहरे के ऊपर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, वो कम हो सकते हैं, उसको हम आगे ढकेल सकते हैं, मतलब हमारी एजिंग की प्रोसेस है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी फीमेल पेशेंट्स ऑफिस में जाते हैं, जाते समय अच्छे से मेकअप करके जाते हैं, लेकिन जब भी आप घर पे आते हो, जो सोने से पहले आप थके हुए रहते हो, तो ऐसे देखा गया है कि हम चेहरे के ऊपर जो मेकअप है वो ऐसे रख देते हैं, चेहरा वॉश नहीं करते, फिर ऐसे ही सो जाते हैं।
लेकिन सोते समय हमारी स्किन जो है रेस्ट कर चुकी होती है, रेस्ट करते समय उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलना वो भी ज़रूरी है। तो सोते समय हमें ये ध्यान रखना है कि चेहरे के ऊपर जो हमने मेकअप लगाया है, जो भी प्रोडक्ट्स हमने यूज़ किए हैं, उसको अच्छे से क्लीन करना चाहिए। क्लीन करने के बाद हमें एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। बहुत से पेशेंट को लगता है कि मेरी स्किन है वो बहुत ऑयली है, मैं मेकअप निकालने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगा तो फिर मुझे पिंपल आ सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र आते हैं जो कि आपको चेहरे के ऊपर यूज़ करने चाहिए, लेकिन सोते से पहले कम से कम एक थिन लेयर मॉइस्चराइज़र का हमें यूज़ करना चाहिए। अभी ये सब टिप्स फॉलो कर रहे हैं आप, अच्छे से मॉइस्चराइजर यूज़ कर रहे हो, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हो, चेहरा वॉश कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके स्किन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सब फॉलो करने से भी आपको चेहरा प्रॉपरली हेल्दी नहीं मिल रहा है, तो आपको नज़दीकी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो आज के टिप्स अच्छे से फॉलो कीजिए और आपकी चेहरे की स्किन, बॉडी स्किन अच्छे से मेंटेन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके स्किन रिलेटेड हो या हेयर रिलेटेड हो, कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछिए, हम उसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे।